One bislery, please. Sorry, खत्म हो गई. Do you want some? झूठी है. ठंडी है. No thanks. कमाल है. मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ और आप मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही है. ह्यूमर अच्छी है. थोड़ा सेंस डालोगे तो सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है. कोल्ड ड्रिंक तो होगा ना? जी अभी लाया. वैसे आपके डैडी आतंकवादी है. He is a terrorist. क्यों? Because you're a bomb. I'm Rani. Hi. आशीष. हल्ला. खन्ना. Oh, right. तो धीरे धीरे रानी फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन गई. वैसे कॉलेज में एक और भी कैरेक्टर था, रोहित. प्यारा, दुलारा, कुत्ता, कमीना, मेरा बेस्ट फ्रेंड. रोहित की सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी. सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो लड़की मुझे अच्छी लगती थी वही लड़की उसको भी अच्छी लगती थी. तुम मेरे लिए प्यार में क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ. मैं तुम्हारे लिए बाजार से सब्जी, राशन, लॉन्ड्री सब कुछ ला सकता हूँ. मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सात समुद्र पार ले जाऊंगा. अरे मैं तुम्हें मुंबई की तेज बारिश में घुटने भर पानी में पार्क करवाऊंगा. मैं तुम्हें फेरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी इंपोर्टेड गाड़ियों में सैर कराऊंगा. मैं तुम्हें ट्रेन, बस, रिक्शा में बिठाकर बांद्रा से बाइकला तक की सैर करवाऊंगा. मैं तुम्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड लाके दूंगा. अरे मैं तुम्हें मुंबई का राशन कार्ड बनवा कर दूंगा. स्वे रानी, मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत प्यार करूंगा. करूंगा, करेगा. अरे मैं तो ऑलरेडी प्यार करता हूँ और करता रहूंगा. Well done, Ashish. Well done. Very good. Very good. ये डायरेक्टर, ये आशीष वाला रोल मुझे चाहिए. अब उसे कौन समझाता कि भैया मेरी लव स्टोरी का हीरो मैं हूँ तो लड़की मुझे ही मिलेगी ना. चलो अल्टीमेटली लड़की तो मिल गई. दोस्तों ने मुबारकबाद भी दी, लेकिन मेरे थैंक यू नो मेंशन कहते ही मेरी लाइफ में टेंशन शुरू हुई. यू नो, आदम और ईव बड़ा सुखी कपल था. जानते हो क्यों? क्योंकि आदम का ससुर नहीं था, लेकिन मेरा था. ससुरा ससुर नहीं, मुसीबतों का पहाड़ था. पहाड़. ओ, तो तुम हो आशीष, रानी से प्यार करते हो लेकिन प्यार का मतलब ही समझते हो. देखिए पहाड़ जी, मेरा मतलब डैडी जी, हमारा प्यार रोमियो जूलियट, लैला मजनू जैसा मामूली प्यार नहीं है कि बस प्यार किया और एंड में जाके लूजर की तरह मर गए. हमें हैपनिंग और कामयाब प्रेमी बनना है. जानते हो, जितनी तुम्हारी आमदनी उतने पैसों के हम कुत्ते के बिस्किट खरीदते हैं. पर आप नॉर्मल क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्रैक जैक, ग्लूकोज. शट अप. शादी करने आए हो? मेरी बेटी को पालोगे कैसे? इश्क की हवा से? तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है? मेरे पास माँ भी नहीं है. एक बहन है, पर वो भी अमेरिका में. पहले जाके 25-50 लाख रुपए कमाओ, बंगला लो, गाड़ी लो, फिर शादी की बात करने आओ. जय माता दी. What the hell यार, तू फिकर मत कर, मैं हूँ ना. तू बोले तो चुपचाप रानी के हाथों 10-20 लाख रुपए भिजवा दूँ. नहीं ताऊ जी, प्यार करने का पंगा मैंने लिया है तो पैसे भी मैं ही कमाऊंगा. What the hell man, bloody what the hell यार. मरिया डॉक्टर साहब है. अरे डॉक्टर पटेल को जरा फोन देना. हाँ दारा, वो मैंने जिस पेशेंट का रिपोर्ट भेजा था तूने चेक किया क्या? अरे बाप 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 बाप. अरे रे 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 रे. दारा पची फोन करो. बैसो. डॉक्टर साहब, हिमालय कंपनी से कोई आया है. हिमालय से? उसको बोलो हिमालय से जम मारे, मेरे को सर पे बहुत टेंशन है अभी. डॉक्टर साहब मेरे वो. रुक, सच सच बोलूं मैं तेरे को. तेरे को कुछ नहीं है, सर पे बहुत टेंशन लेता है तुम. ये दवा, ट्रीटमेंट, रिपोर्ट, तेरे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है. पर डॉक्टर हुआ क्या, जरा रिपोर्ट तो दिखाइए. नहीं बताऊंगा. क्या करेगा? अरे भाई ये रिपोर्ट, ट्रॉफी या मेडल है क्या? दीवार पे चिपका के उसका आरती करेगा क्या तुम? थिंक पॉजिटिव, लिव लाइफ. पर डॉक्टर मुझे कल चक्कर सा आ गया था. अरे घेल सप्पा, अगर रोज तू मेरी क्लिनिक का चक्कर मारेगा तो चक्कर ही आएगा ना. नहीं नहीं डॉक्टर, वाकई कल मेरी सगाई की पार्टी में आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था. ऐसा हमेशा होता है बॉस, मर्दों के साथ ऐसा ही होता है. सगाई के दिन अंधेरा छा जाता है और शादी के दिन बत्ती ऑफ हो जाता है. मेरा बत्ती आज तक ऑन ही नहीं हुआ है. लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर. सर इस बार सीरियस है, मैं बता रहा हूँ, इस बार सीरियस है. मेरा बीपी, एसजीपीटी, एमआरआई कोई तो टेस्ट लीजिए ना. तुम बहुत भैया आदमी है, तेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में तेरे को वेम है. लाइफ में दो चीज का इलाज नहीं होता है, एक है वेम और दूसरा है कैंसर. अच्छा एक बात बता,
कभी भी बुलबुल को गले में टॉन्सिल होता है, बंदरों को भी डिप्रेशन होता है, सांप को कभी स्लिप डिस्क होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन लोग लाइफ जैसे जीने का है, जीता है बिंदास, कुदरत के साथ झगड़ा नहीं करते उन लोग, तेरे जैसा नहीं, बात बात पे दवा गोलियां खा लिया, ब्लडी हाइपोकंड्रिया फूल, मतलब मेरे लिए कोई दवाई नहीं। अरे बाबा तू जानी ढंसा खा, रात को डोप पैक पी, टाटिया लंबा कर, चार रोड नहीं सोई जानी, सुबह अपने पोरी को लेके तुम वॉक में ले जाओ नी, टोंग 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 टोंग, थिंक पॉजिटिव, लिव लाइफ दिख रहा। ठीक है डॉक्टर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरी तसली के लिए कुछ तो दवाई दीजिए ना, कोई नई कैप्सूल वगैरह। हाथ ना लगा टॉ, देखा ब्लडी नॉनसेंस मैड फेलो, तेरे दवाई के चक्कर में मैं दवा खा जाता हूँ, मैं दवा खाऊं? नहीं डॉक्टर, आप इस चक्कर में मत फंसिए ना प्लीज, मैं जाता हूँ। मेरा चश्मा। डॉक्टर पटेल, मैंने उसको थिंक पॉजिटिव लिव लाइफ बोल के उससे असली बात छुपा दी, मैं जवान आदमी को कैसे बोल सकता हूँ कि उसको कैंसर है? एक साल में खेल खत्म, ये बात तो कोई भी सुन के लामलेट हो जाएगा ना। मुझे तभी डाउट हुआ था जब मैंने उसका टेस्ट लिया था, इसलिए मैंने आपके पास भेजा फॉर सेकेंड ओपिनियन, बिकॉज यू आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट ना। डॉक्टर पटेल अगर वो फोन करे तो आप प्लीज उसको बताना नहीं, बिकॉज इज अ वेरी स्वीट बॉय, मैं अपने स्टाइल से उसको बॉम्ब फोड़ेगा। तुम हिम्मत मत हारो मरिया, उसकी मर्जी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जुकाम मेरे को है, इमोशनल ये क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर पटेल ने भी कंफर्म कर दिया सर, यस कैंसर सेकंड स्टेज। मतलब सिर्फ एक साल बचा है उसके पास। बेचारा रॉबिन, व्हाट अ ब्राइट यंग मैन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसे देखे कौन यकीन करेगा ये मरने वाला है। ले पकड़ खंभा, दो घूंट में तुझे दिखने लगेगी मेनका और रंभा। यार ये मेरे से नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू टू मच हो जाएगा। अरे यार तुझे एक्टिंग ही तो करनी है, चल मैं तेरे लिए गुड लक मंत्र पढ़ता हूँ। ओम शराब बंदरा स्क्वाच बिस्की स्वाहा, लड़की का दिल टूट जाए स्वाहा, जरा पलट जा स्वाहा, तेरी सगाई टूट जाए स्वाहा। जय माता दी, पुत्र तो गिर गया, आजा आजा। गिरा वो आदमी गिरेगा नहीं तो खड़ा हो जाएगा। जय माता दी। सासू बड़ी अच्छी लग रही है। जय माता दी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सासू। जय माता दी। पास। जय माता दी। और पास। जय माता दी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगा कर आया है? मस्ती भरा परफ्यूम। जय माता दी, जय माता दी, ले चरणामृत पी ले। पीकर तो आया हूँ, और कितना पीऊंगा मदर इन लॉ। जय माता दी, पुत्र तू पीकर आया है? हाँ पीकर आया हूँ, क्या करेगी तू, सगाई तोड़ देगी ना, जाग तोड़ दो। ना ना पुत्र, जय माता दी, वो सब छोड़, चल खाना खा ले, आ जा। तेरे हाथ का खाना? ना बकवास खाना बनाती हो तुम। जय माता दी। और वो तेल, घर के नीचे तेल का कुआं है या फिर किसी अरब के साथ अफेयर चल रहा है? जय माता दी, जय माता दी। ओए वड़वे यार, अब मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे को चार पैग से पहले डिस्टर्ब मत किया करो, क्यों शोर मचा रखा? जय माता दी है। जय माता दी, जय माता दी। ओए अजीज, ओए बड़ा कलरफुल लग रहा है यार तू। जी यू टू टू और टू नहीं फोर, दिस इज माय थर्ड। तेरे हाथ में फ्लास्क, फ्लास्क में क्या है? शराब? और तूने सगाई से पहले बताया नहीं कि तू शराब पीता? आई रिस्पेक्ट यू मोर यार, चल चलकर थोड़ी सी शराब और पीते हैं। जय माता दी। चलो जी। जय माता दी, जय माता दी। शराब पीना हमारे खानदान की परंपरा है। ये देख, फ्रेंच वाइन, रशियन वोडका, ब्रिटिश बियर और तो और इंडियन ठर्रा भी है अपने पास, यू नेम इट एंड वी हैव इट। और हम तो बचपन में ड्राइ बॉटल के साथ एक एक की दारू पीकर जवान हुए हैं। तुझे पता ही नहीं कि तू कितने बड़े खानदान से जुड़ गया है। बिंदास भी पीते रहो। जीवन के दो पहलू हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा सुंदर हो तो शरीर भी सुंदर होता है, और सुंदर आत्मा के लिए एक सुंदर मन आवश्यक है, और मन सुंदर होना चाहिए।
तन का क्या है, ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं। पर आत्मा कैसी भी हो, शरीर तो शरीर है, कोई कोई शरीर बहुत ही शरीर होता है। शरीर जितना पास आता है आत्मा में उतना ही क्लास आता है, मगर शरीर को ये रास नहीं आता है। और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्मा को लात मार कर कहता है, वाह अति सुंदर तन, लेकिन कंट्रोल योर मन। जय माता दी, जय माता दी। साहु जी। अंकल, सुनकर बड़ा दुख हुआ। थैंक यू। वैसे उम्र क्या थी उनकी? 103। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। मतलब? मतलब कम से कम सेंचुरी मार के तो आउट हुए ना। ओह दैट्स सो स्वीट। वैसे बीमारी क्या थी उनकी? कैंसर। आशीष क्या लगा रखा है, कौन है ये लड़की? अरे तू मिली नहीं? नहीं। अरे रोजी मेरी नई सेक्रेटरी। कम अच्छा शरीर है सेक्रेटरी। ये तो मेरी सेक्रेटरी नहीं हो सकती है क्या? आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर आफ्टर ऑल, टॉप पे हूँ। टॉप पे पहुँच के क्या क्या टॉपलेस फैसिलिटीज मिलती है तुम्हें क्या पता? अद्भुत। ओए आशीष, ये सब क्या लगा रखा है तूने यार? जी, ताऊजी के पैर छो। ओए जूंदी रहे, कपड़े पहनती रहे बस। इसे कहीं देखा है? आपने जरूर देखा होगा, पहले चांदनी बार में काम करते थे। अरे तू चांदनी बार गया था? मतलब ताऊजी प्लीज। मतलब भाई साहब, तुम्हारी सेक्रेटरी एक बार गर्ल भी है। बार गर्ल है तो क्या इंसान नहीं है क्या? अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। वी मस्ट गो फ्रॉम हियर। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठहरो। बार में काम करती है, चांदनी बार में काम करती है, सेक्रेटरी बना लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने इस बार गर्ल को नौकरी देकर पूरी नारी जाति का सम्मान किया है। सरकार ने इसकी रोजी रोटी छीन ली थी और तूने रोजी को रोटी दे दी पुत्र। ओए जूंदा रहे, जूंदा रहे। कंपैशन और करेज का एक कंटेंपरेरी नमूना है तू पुत्र। ओ आई एम प्राउड ऑफ यू। इन पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मैं अपनी लव स्टोरी का विलेन बनने चला था, पर रानी की ये फैमिली मुझे आदर्श हीरो बनाकर छोड़ेंगे। चल मैं तुझे अपना अंडरवियर। आशीष, मतलब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Excuse me for 5 minutes. तुम्हें पता है मैं कल पूरी रात सोई नहीं, हम दोनों के बारे में सोचती रही। आशीष तुम्हें नहीं लग रहा है तुम बदल रहे हो? हाँ बदल गया हूँ। So? तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम बदल रहे हो, पूरा जमाना बदल रहा है। अरे वो जमाना गया जब लड़कियां रो रो कर आंसू की नदियां बहा देती थी। अगर तुमने मुझे वैसी कमजोर लड़की समझा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। Do you understand that? Cool it, रानी। पसीना पोंछो यार। Whether you like it or not, तुम मेरे बॉयफ्रेंड या मंगेतर नहीं रह सकते। Enough। यानी हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो खत्म? हाँ, अब ये रिश्ता खत्म। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रह सकते क्योंकि अब तुम मेरे पति बनोगे। क्या? हाँ आशीष, कितनी ऑनेस्टी से तुमने मुझे अपना पास बता दिया। लड़कियां अपनी बीवियों से जिंदगी भर ये छुपा कर रखते हैं। थैंक गॉड तुम नो एंट्री टाइप लड़के नहीं हो, क्योंकि ऑनेस्टी शादी की बुनियाद होती है। कितने अच्छे लड़के हो तुम, तो पक्के हस्बैंड मटेरियल हो। लव यू। तुम छोकरे लोग मुझे किडनैप करके बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। तुम लोग क्या समझ रहे, तुम लोग का बंदूक का गोली गोली का खून देख के मैं डर जाएगा? अरे तुम लोग को मालूम नहीं मैंने लाइफ में इतना खून खराबा देखा है, तुम लोग ने मिलके नहीं देखा। क्या देखता है क्या, जब ऑपरेशन के टाइम पेट काटा तो खून नहीं निकलता क्या? ओ साला, चल पट्टी निकाल, कमन हरे आप। माय गॉड, इतने सारे काले कोट वाले गुंडे एक साथ, ये तुम्हारे पास दूसरा कलर नहीं क्या? दैट्स अ गुड कलर। या ओके, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर नाउ ओनली, ओके? मैं जब भी गुंडा लोग के विजिट पे जाता हूँ ना, मैं डबल फीस चार्ज करता हूँ। यस यस यस। लास्ट टाइम मैं दुबई के डॉन के पास गया था, मैंने पीछे से इंजेक्शन मारा, छोड़ दिया। जब उसने डबल पैसा दिया फिर मैंने निकाला। इज दैट ओके विद यू? अबे ओ डॉक्टर बस कर, वो लड़की को पहचानता गया वो बता दे। ओए मुझे थप्पड़ मार, हार हार सर, डोंट टच मी, हु आर यू? मैं अन्ना। अन्ना, चौबीस घंटे चौकन्ना। चौबीस घंटा चौकन्ना रहकर करता क्या है? डे एंड नाइट केमिस्ट का दुकान चलाता है। ये
वो लड़के को पहचानता क्या? चुपचाप बता। ओके। ये जवाब देना। चुपचाप जवाब दिया, सुनाई नहीं दिया? अरे बाबा घरे रहा, चुपचाप रहेगा तो जवाब किधर से निकालेगा? आशीष, अरे अपना आशीष है। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, लेकिन साले का भेजा अब नॉर्मल। तू इन लोग का गैंग तो ज्वाइन नहीं किया? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये डॉक्टर है, तेरा पेशेंट बोलता है उसको टॉप लेवल का कैंसर है। कैंसर है क्या इसको? इसको कैंसर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर, आप इनसे डरिए मत, जो भी है सच सच बताइए। अगर ये लोग लाइफ ले सकते तो आप दे सकते हैं डॉक्टर, सच सच बताइए कि मुझे कैंसर है। अरे इन लोग से कौन डरेगा कभी भी? अरे जब मैं तेरे को बोला कैंसर नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती तेरे पेट में डालू कैंसर? पर आप ही ने तो बोला था। कब बोला था तेरे को? अरे डॉक्टर साहब उस दिन मैं आया था, आप डॉक्टर पटेल से फोन पे बात कर रहे थे, आप भूल गए क्या? अरे 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 गधेरा, तेरे बारे में नहीं, वो रॉबिन सिंह के बारे में बात कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर, उसको कैंसर है, तू तो नॉर्मल है। अरे यार तू वेमी गधेरा, ये सारा गोली खा खा के तेरा भेजा खराब हो गया है, अब इन लोगों की गोली खा रहा तुम। मतलब जीजू को कैंसर नहीं है। अरे कितनी बार रिपीट कर रहे हैं तुम लोग को। अच्छा अभी तू आगे लाओ यहाँ पर चश्मा ऊपर कर, चश्मा कर जाओ डार्लिंग, ये 24 घंटा चुपका ना रहने में कोई फायदा नहीं, एटलीस्ट 6 घंटा तो सोना मांगता है ना, नहीं तो दूसरे को टपकाने के चक्कर में तुम खुद टपक जाएगा डार्लिंग। ये काला चश्मा निकालें तो किधर भम हो जाएगा।